अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबके अच्छे गुजर रहे होंगे। और जी यहाँ पर हम जा रहे हैं मार्केट। अच्छा, बच्चों की तो शॉपिंग हो गई थी, मैं जा रही हूँ अपनी शॉपिंग के लिए। शॉपिंग क्या करनी है मुझे? एक सूट लेना है, एक सिंपल सी चप्पल लेनी है, और जो है बस। तो बाकी चीज़ें तो अम्मी के घर से आई गई थी, तो हस्बैंड ने कहा नहीं आप सूट और चप्पल लेकर आइए जाके। तो आज मिला है मुझे फाइनली टाइम, तो मैंने कहा चलिए चलते हैं, हम लोग जाते हैं देखते हैं बाज़ार में क्या हो रहा है, क्या हालात हैं बाज़ार के। काफ़ी दिन बाद अब मैं बाज़ार जा रही हूँ। वैसे तो मैं गई थी बीच में, लेकिन अब दोबारा जा रही हूँ, तो मेरे साथ साथ बने रहिएगा और चले आए चलते हैं जी। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और जो है मार्केट हम कहाँ जा रहे हैं? मार्केट हम जा रहे हैं KDM मार्केट, और जो है जो आपको पता है कि मशहूर मार्केट है KDM मार्केट गुलशन इकबाल की। और यहाँ पर देखें आयमा भी है, और जो है इसको इतनी कोई नींदें आ रही थी, लेकिन जब ये गाड़ी में आके बैठी है और घर से निकली है ना, तो इसकी नींदें सारी उड़ गई। और अभी हम वहाँ जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। कुछ नहीं लेना, सिर्फ एक सूट लूँगी और भाभियों को चप्पल वगैरह लेनी है, मैं खुद भी चप्पल लूँगी अगर मिल गई तो। उसके बाद फिर हम जाएँगे दूसरी मार्केट, अगर हमें कुछ समझ नहीं आया यहाँ पर तो देखते हैं, साथ साथ बने रहिएगा जी। तो हम लोग आ गए थे मार्केट में, और जो है हमारी जो है ना एक दो दुकानें जो है ना मखसूस दुकानें हैं, तो वो आराम से जो है ना कपड़ा दिखा देते हैं। लेकिन आज ना उनकी दुकान पे भी कोई अच्छे ख़ास कोई प्रिंट नहीं थे, ना कोई अच्छे कोई ख़ास डिज़ाइन थे, तो जो है ना मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। और ये पीले और जो है ना नीले तो मैं पहनती भी नहीं हूँ, आपको पता है मुझे सोबर सोबर से कलर पसंद है, और ये तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था सूट ना। अच्छा, मुझे जो है ना मतलब एक सूट इनकी दुकान में समझ में आया था, लेकिन वो मेरी रेंज से थोड़ा सा ऊपर था, तो मैंने उसको नहीं लिया। और जो है अच्छा खासा है सूट थे भाई, लोग माशाल्लाह से जो है ना अच्छा। सिले सिलाई में भी यही था, कुछ भी नहीं है, एक पट्टी लगा दी है, 4000 के सूट हैं। इससे अच्छे तो मैं खुद सी लेती हूँ, तो मैंने कहा नहीं भाई इससे अच्छा अम्मी सी लेती हैं, मैं सी लेती हूँ। तो मैंने कहा भाई मुझे तो सिले सिलाए तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और ये कहते हैं ना कि किसी को जिसकी आदत होती है ना सिलाई की, तो कभी भी पसंद नहीं आती सिलाई ना। और रेडीमेड में तो आपको पता है कैसे सिले हुए होते हैं, धक्का पेल करे हुए होते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई अनस्टिच ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है सूट ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। पर्पल वाला मुझे समझ में आया था, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था। इसके बाद इन्होंने एक और दिखाया आसमानी फ्रोजी कलर का, ये देखें स्काई ब्लू, फ्रोजी कहते हैं इसको तो शायद ना, लेकिन ये भी अच्छा था, नो डाउट अच्छा था। लेकिन जो है मुझे इतने हैवी नहीं लेने थे, ज़ाहिर है मुझे ईद वाले दिन भी आपको पता है कि इतने हैवी, और फिर इतना प्लस ये कि गर्मी इतनी होगी ना कि इतने हल्के हल्के फुलके सही रहते हैं। ये वाला मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन जो है इसकी रेंज मेरे से ज़्यादा थी और मैं नहीं ले पाती, तो इस वजह से जो है ना मैंने इसको बिल्कुल वो कर दिया। दूसरी दुकान पर आए, ये पिंक वाला मुझे बहुत समझ में आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था, इसका कपड़ा भी बहुत ज़बरदस्त था। तो मैंने कहा भाई यही वाला ले लेते हैं, क्योंकि जो है इतना कोई हमें एक ही सूट लेना है और इतना घूमने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। इनकी शॉप पे भी बहुत ज़बरदस्त सूट थे, और जो है ना मज़ेदार किस्म के जो है ना अच्छे लगने वाले, लेकिन क्या सादी सादी स्टिचिंग थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि जो है ना हम लोग थोड़ा सा बेले शेले लगा लेते हैं, थोड़ा लुक हो जाता है सूट का, तो वो चीज़ नहीं थी। यहाँ पर हमने सूट लिया और हम जल्दी से निकले, और अब हम जा रहे हैं दूसरी मार्केट, और हमारे साथ साथ बने रहिएगा। चप्पल लेनी थी हमें जी। तो हम लोगों ने सूट ले लिया है, और जो है काफ़ी जल्दी पसंद आ गया था, इतना कोई मुश्किल नहीं लगा सूट पसंद करना। और जो है अभी हम जा रहे हैं वाटर पम्प, और ये भी मशहूर मार्केट है, इस पर भी आप जाके ज़रूर विज़िट करिएगा और देखिएगा। और यहाँ से जो है हमें चप्पल वगैरह जो भी हमें लेना है वो हम लेंगे, और फिर हम जाएंगे जल्दी से, क्योंकि KDM मार्केट में सैंडल अच्छी नहीं लगी थी। इतना हमने सैंडलों के लिए फिरे हैं, मतलब हमें अच्छी लगी, सैंडलों पर भी गए हम, हाँ लेकिन अच्छी नहीं आई, मतलब वो पुराना पुराना सा लग रहा था, कि जैसे पहना पहना सा लग रहा है पुराना पुराना। और अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं दूसरी मार्केट, और मार्केट जाते हैं जाके देखते हैं कि उधर क्या मिलता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और सूट हमने ले लिया है, और काफ़ी कुछ नहीं लेना था, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, थोड़ा बहुत ही लेना था, और बच्चे घर पर हैं, और मैं भी जैगम और किसा को यही कहकर आई थी कि मैं जल्दी आ जाऊँगी, टाइम नहीं लगेगा, और माशाल्लाह से टाइम नहीं लगा है। और अब चलते हैं दूसरी मार्केट, तो मैं
जी, तो हम लोग आ गए थे मार्केट, और मार्केट में आने के बाद हम लोगों ने देखा कि हर जगह स्टॉल थे, चूड़ियों के स्टॉल, कॉस्मेटिक के स्टॉल, हर चीज़ का स्टॉल लगाया हुआ था। और यहाँ पर हम लोग रुक गए थे कॉस्मेटिक के स्टॉल पे। अच्छा, लेते हुए भी दिल वो हो रहा था कि लें नहीं लें, फेस का और स्किन का सवाल है, लेकिन ये क्या है, हर कोई जो है वो ख़राब चीज़ें नहीं भेजता है, कोई कोई मजबूरी के तहत भी स्टॉल लगा के खड़े हो जाते हैं बेचारे। तो यहाँ पर जो है इनके पास लिपस्टिक भी बहुत ज़बरदस्ती है। अच्छा, एक ही कलर बचा था, पिंक कलर ना। अच्छा, पिंक कलर मेरे सूट का भी था, तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसा हल्का सा पिंक कलर हो जो चुपता हुआ भी ना हो और अच्छा भी लगे। तो जो है यहाँ पर मैं आउटलाइन पेंसिलें देख रही थी, वो भी कलर ज़्यादा कोई ख़ास नहीं थे क्योंकि सब सेल हो गया था सामान। और यहाँ पर मैं मस्कारा और आईलाइनर देख रही थी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। और जो है ये जो है इन्होंने नेल्स वगैरह हमें दिखाए थे। अच्छा, नेल्स वगैरह तो इतना काम ही नहीं, आपको पता है कि जो है ना घर की खातून, घर की खवातीन तो बस बर्तन हो रही है वो, तो वो नेल्स कहाँ टिकते हैं हमारी उंगलियों पे, ये बच्चियों के शौक है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग जो है फेस शाइनर देखा इन्होंने, लेकिन उनको वो भी समझ में नहीं आया क्योंकि आपको पता है कि कॉस्मेटिक लेते हुए ना 10 दफ़ा बंदा सोचता है। अच्छा, ये डिब्बा आप देख रहे होंगे, मैंने 3 दफ़ा उठाया, 3 दफ़ा मैंने रख दिया। मैं सिर्फ लिपस्टिक की वजह से थोड़ा सा परेशान हो रही थी, मैंने कहा लिपस्टिक ले ही लेती हूँ। तो मैंने एक कलर का पिंक कलर मैंने ले लिया था। और जो है इन्होंने हमें दिखाया फेस रोलर, और जो है जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इन्होंने पता है हमें कितने का दिया, 100 रुपीज़ का हमें दिया, और एक ही बचा था इनके पास ना, वरना मैं भी लेती और भाभी भी लेती ना, लेकिन सिर्फ एक ही भाभी ने ले लिया था, तो वही हम लोग सब यूज़ कर लेंगे मिल बाँट के। हमारे यहाँ तो यही होता है भाई, एक लो और सब मिल बाँट के यूज़ कर लो। और जो है यहाँ पर जो है आउटलाइन पेंसिलें भी थी, और हमें चप्पल वगैरह भी लेनी थी, तो हम लोग आ गए थे चप्पल की तरफ। अच्छा खासा कॉस्मेटिक था इनके पास ना, तो जो है चप्पल हम तीनों पसंद कर रहे हैं, लेकिन इतने कोई पुराने डिज़ाइन और जो है ना ऐसे लग रहा था सब हमने पहनी हुई है, कोई नया डिज़ाइन था ही नहीं। एक दुकान से निकले दूसरी दुकान पे, एक दुकान से निकले दूसरी दुकान पे, और जो है फिर जो है मैं थोड़ा सा मैंने कहा भाई मैं तो थक गई हूँ, फिर मैं किसा की चीज़ें देखने के लिए खड़ी हो गई। किसा के पास माशाल्लाह से बहुत कुछ है, लेकिन जो है जब भी मैं किसा की छोटी मोटी चीज़ें देखती हूँ ना, मेरा दिल वहीं अटक जाता है। ये होता है सबके साथ, माओ के साथ होता है, बच्चियों की चीज़ें तो आपको पता है कितनी होती हैं। लड़कों का क्या होता है, एक पैंट शर्ट पहना दो, सैंडल पहना दो, घड़ी पहना दो, चश्मा पहना दो, और हो गई लड़कों की ईद। और लड़कियों की दसियों चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर जो है चप्पल हमें समझ में नहीं आई, हमने कहा चले फाइनली हम जो है खूसा देख लेते हैं। खूसे की तरफ गए, खूसे भी देखे, लेकिन मुझे ना खूसा पसंद नहीं है भाई, साफ मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो ना पैर अंदर से ना दबा दबा सा रहता है। शादी ब्याह में तो बंदा पहन लेता है, लेकिन ईद वगैरह पे तो आपको पता है कि खूसा वगैरह मैं नहीं पहनती हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ आयमा भी थी, और आयमा तो भाई ऐसी आँखें फाड़ के देख रही थी, ऐसे टट्टे लगा रही थी जैसे पता नहीं सुबह हो गई ना, और जो है लग ही नहीं रहा था इसके सोने का टाइम है। माशाल्लाह से ज़रा इसने तंग नहीं किया हमें ना। और यहाँ पर हम इसकी कोल्हापुरी चप्पल देख रहे थे, लेकिन इसके साथ भी यही मसला है कि ये पहनती ही नहीं है चप्पल ना। अच्छा, हेयर बैंड हो या चप्पल हो, फौरन उतार के फेंकने ही करती है। तो इसकी मम्मा ने कहा कि भाई बहुत सारी चप्पलें हैं माशाल्लाह से इसके पास, तो हम वही चला लेंगे। और जो है यहाँ हम अब अपनी सैंडल पर आ गए हैं, और जो है सैंडल मेरा पैर तो भाई ऐसा आगे निकल रहा था, मेरा और किरण का पैर तो ऐसा आगे को निकल रहा था, पतले पैर है ना हम लोगों के, हम लोगों का पतला पंजा है, तो इस वजह से चप्पल हमारे पास सूट नहीं कर रही थी। और भाभी माशाल्लाह से भाभी का पंजा भी मोटा है, और चप्पल बहुत ज़बरदस्त लग रही थी उनके पैर पे, तो वो जल्दी उन्होंने उनको समझ में आ गई थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग ऐसे ढूंढ रहे थे, ये देखें कितनी बुरी लग रही है, कहाँ से अच्छी लग रही है ये। तो जो है ना मैंने तो फ़ौरन उतार दी, मैंने कहा भाई आप रखें इसको डब्बे के अंदर, मैं जा रही हूँ दूसरी दुकान पे। यहाँ पर हम लोग आ गए थे, और जो है हमें समझ में भी आ गई थी, तो इसी तरह हम लोगों को मिल गई थी चप्पलें, और हम लोग घर चले गए थे। और यहाँ मैं अपना व्लॉग भी एंड करूँगी, और जो है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो है आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, क्या कमी है, क्या क्या इसमें कमी रह जाती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।